राधे राधे जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। फर्स्ट टाइम मैं ऐसी ज्वेलरी होल लाई हूँ मीशो की। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो मिनट की बातें करूँगी एंड साथ में अपना ये ब्लश लगाऊंगी। तो अगर जिसने सीधा होल देखनी है वो आगे टाइम आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, वहाँ तक वीडियो को ले जा सकते हैं एंड वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने ये जो मंगवाए हैं ज्वेलरी पीसेस, ये मैंने मंगवाए हैं राधा रानी जी के लिए, जो इस्कॉन टेम्पल की राधा रानी जी है उनके लिए मंगवाए हैं मैंने। मतलब ये मेन इस्कॉन टेम्पल की राधा रानी जी के लिए ही क्यों है, बिकॉज मैंने ना बहुत सारे मंदिर में नोटिस किया है, सेवा कुंज में, बांके बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में, जब वहाँ भीड़ होती है ना तो आप जो भी सामान लेके जाओ, मतलब फूल लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ, वो मतलब ऐसे ही, मेरे को पर्सनली नहीं पसंद, बहुत लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं बरसाना में फ्लावर्स लेके गई थी, उन्होंने ऐसे फ्लावर्स फेंक दिए, मेरे को इतना बुरा लगा, मैंने कहा मेरे पैसे वेस्ट हो गए। पंडित जी कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब जो भी मुझे पसंद है, बट मुझे इस्कॉन की ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या करते हैं, चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो एंड चाहे जितनी कम भीड़ हो, वो जो भी लोग लेके आते हैं वो वहाँ रखते हैं एंड वो गंगा जल छिड़क के उस पर भगवान जी के आगे उन्हें रख देते हैं। तो मेरे को ये बात उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने मंगवाए हैं कृष्ण राधा जी के लिए, मेन राधा रानी जी के लिए मंगवाए हैं। तो अब देखो ज्वेलरी होल स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या मंगवाया। मतलब मेरा बहुत सारा बहुत मन था कुछ अच्छा सा लेने का उनके लिए, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उनकी पिक्चर्स देखी, आपको भी साइड पे पिक्चर दिख जाएगी। तो वो नेक पीस वगैरह इतनी सारी वो ज्वेलरी पहनते, तो उनमें से वैसी ज्वेलरी भी होती है जो मीशो पे आराम से मिल जाएगी एंड मीशो से सबसे बजट फ्रेंडली मिलती है, इसलिए मैंने मीशो से मंगवाई है। सो ये हैं वो 5 ज्वेलरी पीसेस। स्टार्ट करते हैं जल्दी से, मैंने इनके अलग अलग शॉर्ट्स तो अपलोड कर दिया है, बट हाँ जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कैसी आई है। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा सस्ती भी है वो है 105 रुपीज़ की। मुझे सबके प्राइजेस याद नहीं है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। ये है मांग टीका, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये हेड पे जाएगा उनके बालों पे सेंटर में। ये मैंने ना नोटिस किया था कि जो मंगला आरती में वो वियर करते हैं ना, वो ऐसे लाइट वेट ही होते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आएगा सेंटर में और ये साइड पे जाएंगे यहाँ से। इसकी पैकेजिंग बहुत बेकार आई थी, मुझे नहीं लगा था कि ये सही भी आएगा, बट थैंक गॉड ये सही आया और कुछ टूटा हुआ नहीं था इसमें। सो थम्स अप फ्रॉम माय साइड, 105 रुपीज़ का इतना प्यारा पीस। ये सीधा ऐसे पैकेजिंग में आया था, नो बबल रैप, नो कार्डबोर्ड बॉक्स, नथिंग, सीधा ऐसे, और मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी इसको देख के। सेकेंड दिखाती हूँ आपको, ये पैकिंग सही थी इसकी, जैसी होनी चाहिए बबल रैप में, ताकि हमारी जो भी हमारा ज्वेलरी पीस है वो सेफली आ जाए। सेकेंड में मैं आपको दिखा रही हूँ मांग टीका ही एंड बाकी तीनों अब नेक पीस होंगे। ये थोड़ा ना राजस्थानी वाइब्स दे रहा है, ये देखो, और इसके ये तीन अलग से ही इन्होंने दे दिए हैं, इन्होंने ये तीन अलग से ही दिए हैं ताकि हम अपने आप ही लगा लें। जब मैंने इसे ओपन किया था ना, मुझे लगा कि ये निकला हुआ है, बट जब मैंने तीन देखे तो मुझे लगा इन्होंने अलग से ही दे दिया कि तुम अपनी मर्जी से लगा लो। तो अब दिखाती हूँ इसका ज्वेलरी पीस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे ये भी। ये देखो ये ऐसे ही बीच में आएगा और ये देखो कितना प्रिटी है गाइज। ये ना फोकस नहीं हो रहा मेरे को, आई होप आपको सही से दिख रहा हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सेंटर वाला है इसका एंड ये भी माथा पट्टी कहते हैं या फिर मांग टीका कहते हैं या चंद्रिका कहते हैं, जो ऐसे करके आती है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट हाँ मैंने मांग टीका लिखा था एंड ये वाले आ गए, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। आपको पिक्चर देख के आइडिया मिल ही गया होगा एंड मैं जब भी मैं देखूँगी ना पिक्चर्स में कि राधा रानी जी ने ये वियर किया हुआ है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे को मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब राधा रानी जी ये वियर करेंगी, अगर उनको ये पसंद आया एंड उन्होंने वियर किया तो।
जो थर्ड है वो अच्छी पैकिंग में आया, लाइक ऐसे बॉक्स में आया, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। अगर आपको बॉक्स मिल जाए तो आपकी स्टोरेज की दिक्कत नहीं आती कि आप ज्वेलरी कहाँ स्टोर करो अपनी। एंड अंदर बबल रैप भी था। ये नेक पीस है, ये हैवी है थोड़ा, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि क्यों हैवी है। ये इसके इयररिंग्स हैं, बहुत प्रिटी है। मैंने कोशिश की मैं ऐसे कलर्स लूँ लाइक राधा रानी जी। इस्कॉन टेम्पल में आपने देखा ही होगा कि वो कैसे कौन से कलर के कपड़े बनाते हैं, तो वो ज्वेलरी ना मल्टी कलर की रखते हैं। और इसमें मांग टीका भी है, ये वो किसी दिन उस पर भी मतलब मंगला आरती पे भी वियर कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे ही वो मंगला आरती पे वियर करते हैं बहुत हल्के हल्के। एंड जो नेक पीस है वो है इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल, लाइक आप लोग अपने लिए ले सकते हो यार, बहुत ही रीजनेबल है ज्वेलरी के लिए। मैंने पूरी वीडियो में अभी तक राधा रानी जी के पर्सपेक्टिव से बोला कि उनको देने के पर्सपेक्टिव से, पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यार। ये देखो इतनी सस्ती ज्वेलरी आपको आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में मिलेगी। आपको शादी के फंक्शन के लिए चाहिए होती है तो इतने तक की तो रेंट पर मिलती है, तो इतने तक की अगर आपको अपनी खुद की ज्वेलरी मिले आई थिंक आपको ज़रूर मीशो ट्राई करना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है सच्ची में। यहाँ पीछे एक पतली सी तार है ट्रांसपेरेंट, आई डोंट नो आपको दिख रही है या नहीं। एंड ये वाली चीज़ है और वो उनको आराम से आ जाएगी, मतलब साइज़ का इशू नहीं होगा उनको ना। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा सा हैवी है, आई डोंट नो वो राधा रानी जी को वियर कराएंगे नहीं कराएंगे, राधा रानी जी वियर करेंगी नहीं करेंगी, बट आई होप करें बिकॉज बहुत प्रिटी है यार। सो जो लास्ट सेकंड है हमारे पास, वो मुझे इसका कलर थोड़ा अलग लगा था, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, और आपको सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कोड तो आपको साइड पर दिख ही रहे होंगे। ये मैंने जैसे कलर एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा अलग है कलर इसका। ये हैं इयररिंग्स, बहुत लाइट वेट है ये, मतलब मैंने पहले उस वाले को दिखाया आपको तो वो हैवी था, एंड ये वाला लाइट वेट है तो काफ़ी अच्छा है। ये लाइट वेट तो कैरी करने में बहुत ही मज़ा आएगा। इसकी क्वालिटी बहुत डिसेंट सी है, बट जैसे मैंने इसका कलर एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, बट ये लाइट वेट है ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसके कलर्स रेड ग्रीन में है, थोड़े पिंक और ग्रीन में कलर्स है इसके, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, मतलब मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये, बिल्कुल हल्का सा पीस है, देखो कितना प्यारा लगेगा उनकी नेक में। एंड ये मेरे को इसलिए भी अच्छा लगा बिकॉज ये एडजस्टेबल है, देखो ये ना यहाँ से यहाँ तक भी एडजस्ट हो सकता है, लाइक इतनी नेक का भी बन सकता है ये, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा ये। और मैंने देखा है कि बहुत सारे नेक पीस गौर निताई जी ने भी पहन रखे होते हैं, कृष्ण बलराम जी ने भी पहन रखे थे, बट मुझे लगता है कि ये जो नेक पीस है ना ये राधा रानी जी ही वियर करेंगे, बिकॉज वो लोग जो वियर करते हैं ना उनके मैचिंग मैचिंग होते हैं, जैसे गौर निताई जी के मैचिंग मैचिंग होते हैं। एंड द लास्ट इज दिस ग्रीन कलर का, अच्छा सा और काफ़ी सही पैकेजिंग लगी मुझे इसकी। बबल रैप में इन्होंने इतनी कंजूसी किया, बट कोई बात नहीं, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सेफली आया है एंड बॉक्स में आया है। सो जब मेरा प्रोडक्ट मेरे पास बिल्कुल सही आया है तो मुझे क्या इनके बबल रैप से। तो ये है इयररिंग्स, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है, बट उन पर अच्छा लगेगा यार, उन पर हर चीज़ अच्छी लगती है। और ये एथनिक वियर के साथ बहुत आराम से चलेंगे आपके भी, अगर आपने अपने लिए लेने हो तो। ये भी लाइट वेट है, लाइक क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ना, जो मैंने आपको कहा था हैवी है थर्ड वाला वो हैवी था बिकॉज उसमें स्टोन्स बहुत ज़्यादा थे, ये लाइट वेट है, अच्छा है ये काफ़ी। ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा लगेगा, लाइक मैंने कोशिश की कि गोल्डन ग्रीन पिंक ऐसे ही कलर लूँ जो उनके हर आउटफिट के साथ चल जाए। कलर्स तो बहुत सा गाइस, कलर्स इसमें बहुत सारे अवेलेबल है एंड लोगों के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ हैं,
तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। मीशो की ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड ये भी वैसे ही है, ऐसे पुल करके इतना नेक बन जाएगा इसका, अगर सबसे छोटा भी करना है तो इतना। एंड आई थिंक इतने नेक में, मतलब ये तो सबसे स्मॉलेस्ट है ना, तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा उन पे, काफ़ी अच्छी लगेगी। आई एम जस्ट वेटिंग कि कब वो अपने पास इनको ले एंड कब वो वियर करे इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे जी।